स्टिक से वॉक करने के लिए सबसे पहले हमें स्टिक की हाइट, एक्चुअली स्टिक की आइडियल हाइट कितनी होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि दोनों अपने जो हाथ हैं इनको लटका दें अपने साइड्स में, और हम जो भी आपका स्टिक है उसको साइड में रखेंगे, अनअफेक्टेड साइड में, जो आपका अफेक्टेड साइड नहीं है वहाँ पर। और फिर उसकी जो रिस्ट है, अनअफेक्टेड साइड की जो रिस्ट है उसके लेवल पे हम देखेंगे कि इस तरीके से जो आपकी जो स्टिक है उसकी जो ऊपर का हेड है वो उस पर आना चाहिए, जो हैंड पीस है वो आपकी रिस्ट तक आना चाहिए। मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए इस तरीके से आप हाथ को साइड में रखें, आपका जो हैंड पीस है वो आपके हाथ के जो रिस्ट है वहाँ तक आना चाहिए, पेशेंट की जो रिस्ट है वो हैंड पीस तक आनी चाहिए, ये आइडियल हाइट होती है स्टिक की। नाउ कम टू द वॉकिंग। तो जब हम पेशेंट को बोलेंगे स्टिक से चलने के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टिक है उसे अनअफेक्टेड साइड में रखना है, हमारे पेशेंट का जो अफेक्टेड लेग है वो राइट है और हमें जो स्टिक है उसे लेफ्ट साइड में पकड़ना है। तो हमेशा याद रखें कि पेशेंट का जो अफेक्टेड लेग है उसके अपोजिट आपको स्टिक को होल्ड करना है, अनअफेक्टेड साइड में स्टिक को रखना है। अब सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि अफेक्टेड लेग और स्टिक को एक साथ आगे रखें, तो आप अपना अफेक्टेड लेग उठाइए और स्टिक को एक साथ मिला के आगे रखिए, एग्जैक्टली लाइक दिस। रुकिए 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 सर रुकिए, एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि पहले पैर पीछे लीजिए सर, केन को अपने स्टिक को पीछे लीजिए, अफेक्टेड लेग और स्टिक को एक साथ आगे बढ़ाना है, लेकिन जो आपका अफेक्टेड लेग है वो स्टिक से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, मतलब आपकी जो स्टिक है वो थोड़ा सा आगे होनी चाहिए। चलिए रखिए स्टिक और अफेक्टेड लेग, और फिर देन अनअफेक्टेड लेग, वेरी गुड। नाउ अगेन अफेक्टेड लेग एंड स्टिक एंड अनअफेक्टेड लेग, ग्रेट। चलिए चलिए वेरी गुड। अब हम स्टेयर क्लाइंबिंग देखेंगे कि स्टिक के साथ स्टेयर्स पर कैसे चढ़ना है। तो जब हम स्टिक को लेकर स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, हमने एक मॉडल लिया है, एज वी डोंट हैव स्टेयर्स इन आर हॉस्पिटल, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले नॉर्मल लेग को, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको ऑलवेज अनअफेक्टेड साइड में स्टिक को रखना है, तो अभी पेशेंट का अफेक्टेड साइड आप देख सकते हैं कि राइट साइड अफेक्टेड है, तो मैंने लेफ्ट साइड में स्टिक को रखवाया है पेशेंट से और कहा है कि आप पहले लेफ्ट साइड यानी अनअफेक्टेड साइड को स्टेयर पर रखेंगे। रखिए स्टेयर पर, हाँ एग्जैक्टली, अभी रोल्ड कीजिए, हाँ इस तरीके से आपको स्टिक और अफेक्टेड लेग को बाद में लेके आना है। तो सबसे पहले नॉर्मल लेग को ऊपर रखेंगे सर, अफेक्टेड अनअफेक्टेड साइड, और फिर उसके बाद अफेक्टेड साइड और स्टिक एक साथ ऊपर आएगी लाइक दिस, बहुत बढ़िया। एक बार और हम देखेंगे, पहले नॉर्मल या अनअफेक्टेड लेग को पैर को ऊपर रखिए, वेरी गुड। अब अफेक्टेड लेग और स्टिक एक साथ ऊपर, बहुत बढ़िया। एक स्टेयर और चढ़ेंगे सर, अनअफेक्टेड लेग देन अफेक्टेड लेग एंड स्टिक टुगेदर। स्टेयर से नीचे उतरने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि अनअफेक्टेड लेग के बगल में आपने स्टिक रखना है, एज आई टोल्ड बिफोर। तो अब हम सबसे पहले अफेक्टेड लेग और स्टिक को एक साथ नीचे लेके आएंगे, बहुत बढ़िया, और फिर नॉर्मल लेग को, वेरी गुड। क्योंकि आपका नॉर्मल लेग मुड़ सकता है पर अफेक्टेड लेग को मुड़ने में अभी पेशेंट को दिक्कत है, इसीलिए। तो एक बार और हम देख लेते हैं इसको। जनरली स्टेयर्स के बगल में हमारे पास एक रेलिंग होती है, आप रेलिंग का सपोर्ट लेकर भी उतर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक मॉडल पर कर रहे हैं, स्टेयर्स का ये मॉडल है, इसलिए हमारे पास रेलिंग नहीं है। तो एनीवेज अभी हम इस पर एक बार और करके दिखाएंगे, पहले आपको अफेक्टेड लेग और स्टिक को नीचे लाना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और देन नॉर्मल लेग, अफेक्टेड लेग एंड स्टिक एंड देन अनअफेक्टेड लेग, वेरी गुड।